हालांकि साइबर क्राइम सेल और साहगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। स्टार इंडिया नेटवर्क के अधिकृत लाइव कंटेंट, लाइव गेम, थर्ड पार्टी ऐप, वेब पोर्टल पर लाइव स्ट्रीमिंग से करोड़ों की ठगी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। 3 साल अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे 17,000 की नकदी, 20 चेक बुक बरामद की गई हैं। पकड़े गए 7 अपराधी शेख करमुल्ला, शेख मौलाली और टी सूर्या हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 6 जुलाई 2023 को थाना साहगंज पर ये शिकायत प्राप्त हुई स्टार इंडिया एंटरटेनमेंट की तरफ से कि उनका जो अधिकृत कंटेंट है, जो उनके ऐप्स से प्रसारित होता है और लाइव गेम्स हैं, उसको किसी अन्य पोर्टल के द्वारा अवैध रूप से फ्रॉड करके और कॉपीराइट वायोलेशन करके प्रसारित किया जा रहा है सस्ते रेट पे, और उससे धनार्जन किया जा रहा है। इसमें इनकी तहरीर पर जो भी सुसंगत अभियोग हैं उसमें मुकदमा दर्ज हुआ और साइबर सेल ने इन्वेस्टिगेशन की। इस पूरे नेटवर्क का इन्होंने सफल अनावरण किया है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। ये 3 अभियुक्त वो हैं जो फर्जी तौर से अकाउंट खुलवाते थे, जिन अकाउंटों में इस सब्सक्रिप्शन की धनराशि प्राप्त होती थी। इनके मास्टरमाइंड 2 व्यक्ति हैं, महेश और कृष्णा रेड्डी, जो अभी फरार चल रहे हैं। उन्हें लोगों ने एक बैट नाम से ये पोर्टल बनाया है, जिसको मोबाइल से, ऐप के माध्यम से या स्मार्ट टीवी के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, और उस पोर्टल पे स्टार इंडिया का अधिकृत कंटेंट उसको सस्ते रेट में ये दिखाते थे। इसमें भारी मात्रा में अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है, जिन अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। लगभग 50 अकाउंट्स हैं जो सामने आए हैं, उनको फ्रीज किया गया है। उनमें हर अकाउंट में बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है। उनके स्टेटमेंट्स को अभी स्टडी किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन में उनको लिया जा रहा है। कुछ अकाउंट्स में करोड़ों के ट्यून्स में ट्रांजैक्शन है। इनके पास से लगभग 20 ATM कार्ड और मर्चेंट QR कोड, जिसके माध्यम से ये पेमेंट रिसीव करते थे, और कुछ कैश धनराशि भी प्राप्त हुई है। देखिए, ये जो हमारे पास भी पकड़े गए हैं, इसमें एक व्यक्ति ICICI बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर है, जो अकाउंट खुलवाता था। अकाउंट खुलवाने के लिए, इसका नाम शेख मौलाली है, अकाउंट खुलवाने के लिए ये जो इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड है, वो इस व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करते थे। यह व्यक्ति और जनता के कुछ 1-2 लोगों को पकड़ के उनके उनके नाम पे अवैध अकाउंट खुलवाता था, जिसमें ये पेमेंट रिसीव की जाती थी। देखिए, अन्य स्टेट से भी जुड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश में इसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, और ये एक इंटर स्टेट बड़ा रैकेट है। आगरा में क्योंकि इसकी शिकायत की गई थी, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन आगरा साइबर पुलिस और शाहगंज थाना के द्वारा की जा रही है। देखिए, जैसे जो ओरिजिनल कंटेंट, अधिकृत कंटेंट है, वो जो होता था उससे, जैसे एनुअल उसकी सब्सक्रिप्शन फी अगर 500 रुपए है, तो ये उसको एक बेट अपनी वेबसाइट पर लगभग 800-900 रुपए के शुल्क में लेते थे, और जिसके माध्यम से वो जो प्राइस गैप था उसका फायदा लेते हुए लोग इसको सब्सक्राइब करते थे। देखिए, आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है, और जैसे ही आपराधिक इतिहास आएगा उसको विवेचना में संलग्न किया जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी।